बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर है 16, पेज नंबर 22, लेसन नंबर है 6, सर्विंग इंस्टीट्यूट। इन पाकिस्तान मैनी इंस्टीट्यूट्स आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। Some of them are under government, उनमें से कुछ जो हैं वो हुकूमत के अंदर हैं, and some institutes are working by themselves, जो और कुछ जो हैं वो खुद से privately चल रहे हैं। Some of the following institutes serve public from government, इनमें से बहुत से institutes हैं जो कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं government की तरफ से, जिनमें जो हम यहाँ पे भी जिनका तस्करा करेंगे उनमें से जो शामिल हैं वो हैं सबसे पहले स्कूल एंड कॉलेज। गवर्नमेंट स्प्रेड द चेन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन ऑल ओवर द कंट्री। एजुकेशन इज़ फ्री इन ऑल स्कूल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन दीज स्कूल्स बुक्स प्रोवाइड फ्री टू टीच फ्राम गवर्नमेंट। अलॉट ऑफ सैलरीज पे टू टीचर्स। सो लाइट ऑफ knowledge spread in the country and darkness of illiteracy go far away। इसमें बताया गया है कि जो government है उसने पूरे जो मुल्क है हमारा पूरी जो इसमें इन्होंने बहुत सारी एक chain बनाई हुई है schools की और colleges की, जो कि free में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो लड़कों के लिए अलग हैं, लड़कियों के लिए अलग हैं, और वहाँ पर उनको फ्री में तालीम दी जा रही है। इन दी स्कूल्स जो है, इन जो ये स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को फ्री में बुक्स दी जाती हैं, उनको फ्री में पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि उस इदारे में जो टीचर्स काम करते हैं उनको एक अच्छी सैलरी भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। वो सब इसीलिए है कि गवर्नमेंट एक जो नॉलेज की जो लाइट है यानी कि तालीम की रोशनी वो पूरे मुल्क में फैलाना चाहती है, और जो जहालत की जो जो जहालत का अंधेरा है वो ख़त्म करना चाहती है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। इट्स गवर्नमेंट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ पब्लिक। फॉर दिस पर्पज़ गवर्नमेंट बिल्ट हॉस्पिटल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट और तहसील। Patients freely treat here. Beside this, in villages, small free dispensaries built for the facilities of health. Nor in these dispensaries patients treat freely, instead of freely consultation also for people here for people health. बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और ये गवर्नमेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों का ख्याल रखे। इसी मकसद के लिए उसने हॉस्पिटल्स बनाए हैं हर शहर में, हर ज़िले में, हर तहसील में, जहाँ पर मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस सब के अलावा गाँव और देहात वगैरह में छोटी मोटी डिस्पेंसरीज बनाई गई हैं, जहाँ पर बहुत बड़े हॉस्पिटल्स की तरह भारी मशीनरी तो नहीं होती, लेकिन जो है छोटी मिकदार पर लोगों को मेडिसिन की सहूलत मुहैया करने की कोशिश की जाती है, और जहाँ पर मरीज़ जो हैं वो फ्रीली आकर अपनी सेहत के बारे में डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, उनसे कुछ भी दवाई पूछ सकते हैं, उनसे अपनी सेहत के मुताबिक उनसे मशवरे ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी गिवन बाई गवर्नमेंट। नंबर ऑफ वर्क डज इन पोस्ट ऑफिस। वी सेंट लेटर टू आवर रिलेटिव्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स, दे रिसीव इट थ्रू पोस्ट ऑफिस। स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के अलावा पोस्ट ऑफिस भी गवर्नमेंट की ही एक जिम्मेदारी में से एक है, जो बहुत ज़्यादा अहम है। वैसे तो ये सब इतना पोस्ट ऑफिस के बारे में तो अब आजकल बहुत कम जो है वो जिक्र किया जाता है, ना ही अब मोबाइल का दौर है, पोस्ट कोई चंद एक ही लोग हैं जो लेटर्स पोस्ट अभी भी करते हैं, वरना तो ये
बिल्कुल समझ लें कि नापैद हो चुका है ये सिलसिला जब से मोबाइल्स का दौर आया है। लेकिन इस सबसे पहले जो है पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही अहम फैसिलिटी होती थी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दी जाती थी। यहाँ पर बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि अगर हम अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ व अकारिब को कोई भी लेटर देना चाहें, कोई भी उनको ख़बर पहुँचाना चाहें, तो लेटर्स के ज़रिए दी जाती थी और वो इसको पोस्ट ऑफिस से वसूल करते थे। नेक्स्ट है बैंक। वी एरा विच मनी वी डू नॉट स्पेंड इट इट ऑल, सम अमाउंट वी सेव बिकॉज वी कैन यूज़ दिस मनी इन आवर टफ टाइम, वी डिपॉजिट आवर सेविंग। आप सब जानते हैं कि बैंक्स जो हैं वो हम अपने पैसे रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई भी हमारी जो हम अपनी अमाउंट पैसों की जो हम सेव करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, उसको खर्च नहीं करना चाहते, वो हम बैंक में रखवा लेते हैं, इसलिए क्योंकि हम उसको अपने मुश्किल वक्त में निकलवा कर इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट है मनी इन बैंक फॉर दिस पर्पस, गवर्नमेंट बिल्ट बैंक्स इन ईच सिटी। इसी मकसद के लिए गवर्नमेंट ने हर शहर में एक बैंक लाजमी बनवाया हुआ है। बिसाइड दिस पीपल ऑल्सो बिल्ट डिफरेंट बैंक्स प्राइवेटली, मतलब गवर्नमेंट के सरकारी बैंक्स के अलावा अब प्राइवेट बैंक्स की तादाद भी बहुत बढ़ चुकी है। वी डिपॉजिट विच मनी इन बैंक, गवर्नमेंट एंड बैंक ऑनर्स डज बिजनेस विद इट। हम जो है अपने पैसे जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और गवर्नमेंट और जो बैंक चलाने वाले ऑनर्स होते हैं वो इनसे बिजनेस करते हैं। बिसाइड दिस बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लोन टू नीडी पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स कैन ऑल्सो पे इन बैंक्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस, वाटर एंड टेलीफोन बिल। बिसाइड दिस डिफरेंट पीपल मेक सम ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ पब्लिक कम्बाइनली विच आर फॉलोइंग। इस सब के अलावा बैंक जो है वो ज़रूरतमंद लोगों को लोन देता है, उधार पैसे देता है ताकि वो मुश्किल वक्त में उनको इस्तेमाल कर सकें। डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स हम इनसे पे कर सकते हैं बैंकों के ज़रिए, जैसे कि बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, हम हर तरह का बिल बैंकों में पे करते हैं। और इस सब के अलावा लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं ज़रूरतमंद लोगों की जो है वो फलाह व बहबूद के लिए, जिनमें से चंद एक जो हैं वो यहाँ पर दर्ज की गई हैं। सबसे पहले है ईदी वेलफेयर ट्रस्ट, अ लेमेंटेबल हर्ट मैन ऑफ कराची नेम्ड अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्टेड दिस ईदी वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एंड दिस इंस्टीट्यूट गिवन द फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। काउंटलेस एम्बुलेंसेज आर वर्किंग अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन। ईदी वेलफेयर वैन्स रीच ऑन एनी क्रिटिकल सिचुएशन एंड डिलीवर इंजरीज टू हॉस्पिटल्स इन दीज वैन्स, फर्स्ट एड इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ईदी वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसी जगह का नाम है जो जहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है, जहाँ पर गरीब लोग आ सकते हैं, अपने अपना बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। और ये जो है जिस काइंड हार्टेड मैन ने बनाई थी ये ट्रस्ट, जिसने बनाया था वो कराची का है और जिसका नाम जो है वो अब्दुल सतार ईदी है। इन्होंने ये वेलफेयर स्टार्ट किया था लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, और ये जो है अब पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें बेशुमार एम्बुलेंसेज हैं जो काम कर रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी भी जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पर लोगों को इंजरीज लग जाएं या हॉस्पिटल्स उनको पहुँचाना हो या उनकी कोई भी मदद करनी हो, तो ये एम्बुलेंसेज वक्त बर वक्त उनके पास पहुँचती हैं और उनकी मदद करती हैं। और इन वैन्स में जो है वो फर्स्ट एड जो है वो भी मौजूद होती है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।